Esther ki pustak adhyay 9. Esther ki pustak adhyay 9. Purim naam parv ka thehraya jana. Adar naam 12ve mahine ke 13ve din ko jis din raja ki aagya aur niyam pura hone ko the aur yahudiyon ke shatru un par prabal hone ki aasha rakhte the parantu iske ulte yahudi apne bairiyon par prabal hue us din. Yahudi log राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए और कोई उनका सामना न कर सका क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों में समा गया था वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की क्योंकि उनके मन में मोर्दकै का भय समा गया था मोर्दकै तो राजा के यहां बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई वरन उस पुरुष मोर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला और अपने अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया और उन्होंने परशनदाता दलपोन अस्पाता पोराता अदल्या अरिदाता परमशता अरिसय अरिदय और वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया परंतु उनके धन को न लूटा उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुए लोगों की गिनती राजा को सुनाई गई तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा यहूदियों ने शूशन राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है फिर राजा के और प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या-क्या किया होगा अब इससे अधिक तेरा क्या निवेदन है वह भी पूरा किया जाएगा और तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा एस्तेर ने कहा यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज की नाए कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाए राजा ने कहा ऐसा किया जाएगा यह आज्ञा शूशन में दी गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए और शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया परंतु धन को न लूटा राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया परंतु धन को न लूटा यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जीवनार की और आनंद का दिन ठहराया परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जीवनार का और आनंद का दिन ठहराया इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहर पनाह की बस्तियों में रहते हैं वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और जीवनार और खुशी और आपस में बैना भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं इन बातों का वृत्तांत लिखकर मोर्दकै ने राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियां भेजी और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करें जिसमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदल गया और उनको जीवनार और आनंद और एक दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मोर्दकै ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया क्योंकि हमदाता अगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था उसने
यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूरा अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई की कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनसे मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय वे ये दो दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए जाए और माने जाएंगे और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मोर्दकै यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मोर्दकै ने क्षयर्ष के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्दकै यहूदी और एस्तेरानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किया जाए और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई।